तो आज बताने वाला हूँ आपको 10 स्पोर्ट्स बेस्ड मूवीज के बारे में जो कि रियल स्टोरी पर बेस्ड है। तो पहले नंबर पर है साइना, जो कि बायोपिक पर बेस्ड है साइना नेहवाल की, जिसके अंदर दिखाया गया कैसे वो अपने मुकाम पर पहुंचती है, कैसे वो ब्रॉन्ज मेडल हासिल करती है ओलंपिक गेम्स के अंदर। तो अगर आप बैडमिंटन के दीवाने हैं तो आपको मैं ये मूवी जरूर सजेस्ट करूंगा। सेकेंड नंबर पर है पान सिंह तोमर, जो कि काफ़ी फेमस मूवी है एक ऐसे एथलीट की जिसका नाम था पान सिंह तोमर, जो एक इंडियन सोल्जर रह चुके थे एंड बाद में वो एक डकैत बन जाते हैं। एंड ये भी नहीं, वो रहे थे अपने टाइम पर 7 times स्टेपल चेस के अंदर नेशनल चैंपियन, एंड साथ ही साथ उन्होंने एशियन गेम्स में भी इंडिया को रिप्रेजेंट करा था। एंड कैसे वो एक सोल्जर से, एक इंटरनेशनल एथलीट से एक डकैत बन जाते हैं। सारी स्ट्रगल स्टोरी दिखाई गई यहाँ पर एक एथलीट की, कि उसकी नॉर्मल लाइफ के टाइम पर क्या होता है एंड जो वो सोल्जर था उस टाइम पर क्या होता है, सब कुछ दिखाया गया है इस मूवी के अंदर। आपको मैं जरूर सजेस्ट करूंगा ये मूवी देखने के लिए। थर्ड मूवी है सूरमा, जो कि संदीप सिंह, जो कि हमारे एक हॉकी प्लेयर रह चुके हैं इंडियन टीम के, उनके ऊपर बेस्ड है कि कैसे उनकी हाफ बॉडी पैरालाइज हो जाती है एक एक्सीडेंटल फायर के अंदर एंड कैसे वो दोबारा इस चीज़ से उभरते हैं एंड दोबारा से गेम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हॉकी प्लेयर तो ये मूवी जरूर देखना। फोर्थ मूवी है बॉक्सर्स की फेवरेट मैरी कॉम, जो कि बेस्ड है मैरी कॉम के ऊपर, जो कि 5 times वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं वुमेंस बॉक्सिंग के अंदर। एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी है ये एमसी मैरी कॉम की, तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगा सभी बॉक्सर्स को एंड जो भी नॉर्मल प्लेयर्स हैं उनको भी कि ये मूवी जरूर देखिएगा। अगर आप यहाँ तक आए गए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी मूवी देखने वाले हो। 5वें नंबर पर है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जो कि बेस्ड है महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ के ऊपर, कि कैसे वो क्रिकेट के अंदर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी जॉब अचीव करते हैं, इंटरनेशनल में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसा स्ट्रगल रहता है उनके जॉब के अंदर, क्रिकेट के अंदर, नॉर्मल लाइफ के अंदर, सब कुछ दिखाया गया इस मूवी के अंदर। 6वें नंबर पर है एथलीट्स की फेवरेट भाग मिल्खा भाग, जो कि मिल्खा सिंह की स्टोरी पर बेस्ड है, कि उनकी रियल लाइफ स्ट्रगल के ऊपर बेस्ड है, कि कैसे उनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स थे बट उनको उन्होंने साइड में रख कर अपना नाम हासिल करा एथलेटिक्स के अंदर एंड अपने आप को रिप्रेजेंट करा ओलंपिक्स के अंदर। काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी है, मैं जरूर सजेस्ट करूंगा सभी एथलीट्स को कि ये मूवी जरूर जाके देखिए। 7वें नंबर पर है दंगल, जो कि काफ़ी मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग स्टोरी है गीता बबीता फोगाट की, कि कैसे उन्होंने स्टार्टिंग करी रेसलिंग में एंड कैसे अपना करियर बनाया आगे, कैसे मेडल अचीव करे रेसलिंग के अंदर एंड आज के टाइम पर कैसे उनको पूरी दुनिया जानती है एज अ रेसलर। एंड सब कुछ दिखाया गया है इसके अंदर कि क्या स्ट्रगल होता है एक रेसलर का, क्या चीज़ें उनको अवॉइड करनी पड़ती है, किन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है उन्हें एक अच्छा रेसलर बनने के लिए। हमारी चोरियां चोरों से कम है के। 8th ऐसी मूवी है जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत ही कम सुना होगा। इस मूवी का नाम है बुढ़िया सिंह बॉर्न टू रन। ये मूवी एक ऐसे बच्चे के ऊपर है जिसने 5 साल की उम्र में 48 मैराथन के अंदर पार्टिसिपेट किया था, जिससे वो बन गया था सबसे यंगेस्ट मैराथन रनर। एंड काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी है उस बच्चे की है। मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि ये मूवी जरूर देखिएगा, क्योंकि इस मूवी का इतना नाम नहीं है बट ये मूवी काफ़ी अच्छी मूवी है। 9वें नंबर पर है 83, जो कि बेस्ड है इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर, जो 1983 के वर्ल्ड कप के अंदर जाती है एंड वहाँ पर वर्ल्ड कप जीत के आती है, जिससे क्रिकेट का पूरा गेम चेंज हो जाता है इंडिया के अंदर एंड इंटरनेशनल लेवल पर भी। एंड आज आप देख सकते हो कि क्रिकेट किस लेवल पर है इंडिया के अंदर एंड आज के टाइम पर इंडिया का कितना दबदबा है क्रिकेट के अंदर। तो ये सब हुआ था उस वर्ल्ड कप के बाद, तो आप जरूर देखेगा 83 मूवी को। 10वें नंबर पर है अजहर, जो कि बेस्ड है स्टोरी के ऊपर मोहम्मद अजहरुद्दीन की, जो कि 90s के एक फेमस क्रिकेटर जो बाद में फंस गए थे फिक्सिंग के अंदर, तो उनकी स्टोरी पर ये पूरी मूवी बेस्ड है कि कैसे एक क्रिकेटर के लाइफ स्टाइल कैसे रहता है, क्या क्या चीज़ें उसके पूरी लाइफ के अंदर चलती है। तो काफ़ी अच्छी मूवी है ये भी, मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा जरूर जाके देखिएगा। एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इनमें से कौन सी मूवी देखने वाले हैं एंड कौन सी मूवी आप देख चुके हैं, ये भी जरूर कमेंट करिएगा। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए DP कबड्डी को।